मुझे पूरा यकीन है तू उन सब की उम्मीदों पर पूरा उतरोगे। और वैसे भी ये जो शरीफ घरों के दामाद होते हैं ना, ये अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल वालों के और बीवी के नाम लिख देते हैं। अब तुम अपने माजी को भूल जाओ और मेरे भाईजान को अपना सगा भाईजान समझो और मेरी माँ जी को अपनी सगी माँ जी। और हाँ, एक गल हो, कभी भी ना मेरी आवाज के ऊपर अपनी आवाज बुलंद मत कर, मुझे बड़ा गुस्सा आएगा। समझ आ गई? अगर आप फरमाएं तो मैं ये जबानी निकलवा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बट आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। जी जी, मैंने आपकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली हैं, वक्तन फवक्तन सुनता रहूँगा ताकि सिराते मुस्तकीम पे चलता रहूँ। वेरी गुड। अब मैं यहाँ सोऊँ या नीचे बिस्तर लगाऊँ? आज तो तुम यहीं सो जाओ, कल देखते हैं क्या करना है। सुनो प्लीज जरा लाइट ऑफ कर दो। सोते हुए जहर लगते हैं मुझे। ये किस वक्त सलाब आ गया? आपको जगाने का इससे मौसर तरीका हमारे पास नहीं है। हाय, चंगा पला सो रहा था। सो नहीं रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। सीटियां वो मुड़ने वाली थी। कौन पलटने वाली थी? टैक्सी। वो दुकानों का किराया वसूल करने जा रहा था ना मैं, तो मैंने ना अभी टैक्सी को सीटी मारी थी। क्या टैक्सी पे जा रहे थे आप? ये पैदल क्यों नहीं जा रहे थे? पैदल ही जाता हूँ, मगर मैं ना कभी कभी ख्वाब में याशी कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, उठिए फटाफट, तैयार हो जाइए। मैं तो तकरीबन तैयार ही हूँ, बस ये थोड़ा सा पानी पड़ गया ऊपर। बाहर जाना है? ओ अच्छा अच्छा, मैं फिर ना जरा मुंह पे छींटे मार के आता हूँ। छींटे मार दिए हमने। अरे सूरज सवा लेजर का निकल आया है, इस कान में अभी तक सारे सूते पे हैं। अरे इस कान में नौस्ती नहीं होएगी तो और क्या होएगा? अशरफ, अशरफ आया, आया मां जी आया। आप इतनी घबराई हुई हैं, बजट तक रीड सुन ली? ओ छट बजट नू, और तू तो बीवी दे थले लग गया, कितनी देर से तुझे आवाजें दे रही हूँ। माँ जी, आपकी दो आवाजों पे तो आ गया हूँ। मेरी तो दो आवाजों पे आए हो ना, और जब बीवी बुलाती है ना तो एक आवाज पे उसकी तुम्हारी दुम हिलने लग पड़ती है। अशरफ आया बेगम। माँ जी, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया है। हुणे गया ते फिर ना आया। जी बेगम जी, जी। अरे आप तैयार नहीं हुए अब तक क्या? एक तो सुबह होती है और आपकी और माँ की चोंच कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। खैर लीजिए, ये गिर गया, ये गिर गया। ये लीजिए, जल्दी से फटाफट जाके 40 पूरियाँ, 1 किलो हलवा और साथ में 2 किलो गुलाब जामुन, और अपने और अपनी अम्मा के लिए बेकरी से कोई रसशस ले आए जल्दी से। 40 पूरियाँ? बेगम आज क्या घर में किसी की दावत है? भूल गए क्या, घर में नया नया दूल्हा आया है, जो शायद आपका दूल्हा भाई भी है। अजफर से कहो ना बोले, मैं जरा पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। शर्म कीजिए, अभी कल तो आपकी बहन की शादी हुई है, और वैसे भी हमारे यहाँ की रस्म है कि सुबह सुबह दुल्हन का भाई अपनी बहन के लिए नाश्ता लेके जाता है। तो वो अजफर ले आएगा ना, मैं उससे लेके बेबी के कमरे में ले जाऊंगा और रस्म भी पूरी हो जाएगी, बैठ के ना पूरियां भी खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बेचारा थक गया होगा बहुत। क्यों, उसने दूध की नहर खो दी है क्या? इतना बड़ा फंक्शन अरेंज करना कोई मामूली बात होती है? बेचारे ने तन तनहा अरेंज किया और आपने क्या किया? खैर छोड़िए, जाइए और जाके सौदा लेके आइए जल्दी से। अशरफ हुण आप ही जाओ ना। आया माँ जी आया। मारे गए जी, माँ जी आ रहा हूँ। अम्मा जी मैं आ गया। अशरफ पुत्र, मैं सारी रात नहीं सोती। क्यों माँ जी, अब्बा जी ख्वाब में आ गए थे? बकवास ना कर, वो कल तुमने अजफर को देखा था? अम्मा जी, उसमें देखने वाली ऐसी कौन सी चीज है?
भाई कैसे हंस हंस के अपने दोस्तों नाल गल्ला कर रहे सी? फिक्र ना करें माँ जी, बस ये समझे आपके वो जिंदगी में आखिरी दफा ऐसा है। हमारी बेबी ना उसकी बोलती बंद कर देगी, आप देखना। वो बेबी को लेकर अपने घर क्यों नहीं गया? ये सोचने वाली गल है। ते वलीमा कदू करेगा? माँ जी एक और सोचने वाली गल है। आही ते सोच सोच के मेरी नींद उड़ गई है। और पहले तो घर में फूल चढ़ी थी, अब पटाखा भी आ गया। माँ जी फिक्र ना करें, इस शबरात पर ना दोनों के फीतों को आग लगा के उड़ा देंगे। अशरफ कल रात दी ना मेरी खब्बी आंख जो है ना वो फड़क रही है। माँ जी आपकी सज्जी आंख खराब है, ये क्यों नहीं फड़कती? बकवास ना कर, और पहले भी मेरी आंख फड़की सी जदू तेरा व्याह होया सी। किधरे वट्टा सट्टा ते नहीं हो गया है? हाँ, इधरों मुंडा उधरों कुड़ी, उधरों मुंडा इधरों कुड़ी। माँ जी मुबारक हो। माँ जी ए ते वट्टा सट्टा हो गया। ले इसी वास्ते तो मेरी आंख फड़कन लगी सी। आप फिक्र ना करें माँ जी, मैं वट्टा उठा लूंगा, आप सट्टा खेल लेना। माँ जी अब तो जो होना था वो तो गया हो। अशरफ, अशरफ डार्लिंग। डार्लिंग, या अल्लाह कितनी मीठी आवाज आई है मेरी बीवी की, कहीं मुझे शुगर ही ना करा दे। मैं जी मैं एक बारी फिर हुने गया ते हुने ही आया है। माँ जी वो मुगालता हो गया था। मुगालता तो सानू होया है बच्चे। अस्पू ये माँ जी ने ऐसा क्यों कहा है कि मुगालता तो हमें हुआ है बच्चा? ये तो माँ जी बता सकती हैं। बेबी तुम जाके अपना मुंह तो धो लो। क्यों एंज में अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही, मैं अपना मुंह धो लेता हूँ। अब आप लोगों की मुश्किल मैं हल कर देता हूँ। देखिए दबा तो मैं नया हूँ इस घर का, लेकिन फर तो पुराना हूँ ना। कल बताऊँ क्या है, तुम बेबी को कार कब लेके जा रहे हो? ये हमारा माल जो है ना, ये इतनी जल्दी अलग से नहीं उतरेगा। और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माँ जी एक्चुअली असफर के घर में ना कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन और डेकोरेशन चल रही है, जैसे ही इनका घर कंप्लीट होगा हम अपने घर चले जाएंगे। माँ जी का दिमाग पहले ही सुन चल रहा था, अब ये तीन शन 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 सुन गए ना शां 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 करेगा। असल में वो नया फर्नीचर ऑर्डर किया ना, बीवी नहीं तो सब कुछ नया। इतना पैसा कहाँ से लाओगे? अरे माँ जी पैसे की फिक्र क्यों कर रही हैं? पैसा बहुत है इस शहर में, पैसा बहुत है, बस पैसे तक पहुँचने का गुर आना चाहिए। वाह 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 माशाल्लाह, टच क्या आला अरफा सोच पाई है हमारे भाई ने, हूबहू अब्बा हुजूर पे गया है। अशरफ भाई एक पढ़े लिखे आदमी के लिए पैसा कभी मसला नहीं होता। माँ जी ये जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, ये खुद बहुत बड़ा मसला होता है। ये हमारा भाई कोई मामूली शामूली आदमी नहीं है। ला जी मैं पहली दफा ना अपनी माँ के सामने अपनी बीवी से मुत्तफिक हुआ हूँ। भाई जो शख्स अपनी शादी की पहली रात अपनी बीवी के महके में गुजारे वह कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता, और हमारा आजफर ना कोई मामूली आदमी वाकई नहीं है। भाईजान आप मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। और रहने दे बिस्ती के बच्चे, और तुमको पता है कि लड़की जो है ना वो अपने शौहर के घर में अच्छी लगती है, बिस्ती कर रही है। मैं अपने शौहर की बिस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई शादी शुदा औरत कभी कभार अपने भाई के घर में चली जाए ना तो मुझे भी अच्छा लगता है। चल भाई मैदान साफ है, बचपन में याद है कैसे मुकाबले में खाते थे भाई।
अशरफ। जी माँ जी। ये क्या बेहूदगी है, ये तुम क्या देख रहे हो? और तुमको शर्म आनी चाहिए ऐसे गाने देखते हुए। तोबा 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 माँ जी, माँ जी मैं तो ये देख रहा था कि वाले हैं ये हम मुसलमानों का अखलाक कैसे तबाह कर रहे हैं। तोबा 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 माँ जी, ऐसे ऐसे गाने, मेरा मतलब है ऐसे ऐसे गाने। चले कौन आया है? जो भी आया माँ जी सही टाइम पे आया। ये असफर का लेटर आया है, मैं उसको दे रहा हूँ। रुक जा बेबी। असफर जी। जी माँ जी। इधर आओ जी। ये तो पढ़कर सुनाओ। असफर का लेटर है बेबी, इसको पढ़कर सुनाओ। माँ जी इस पे तो कॉन्फिडेंशियल लिखा है। बेबी तुम इस घर के कानून को अच्छी तरह जानती हो। जी पढ़ के सुनाओ। Oh my God! मेरी बीवी के एक्सप्रेशन से तो लग रहा है जैसे मेरी तरक्की हो गई। तुम्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया है। लो जी माँ जी, फारिग बंदे को ना उन्होंने फारिग कर दिया। अब बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो खुद ही ये नौकरी छोड़ना चाह रहा था। मुझसे काम कराते थे सीईओ का और तनख्वाह देते थे सीओएफ की। सीओएफ? क्लर्क ऑफ फाइनेंस। बस मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं 2-4 महीने सिर्फ आराम करूंगा, उसके बाद सोचूंगा जॉब करने की। मजीद अशरफ। जी माँ जी। इस झूठे दगाबाज को खड़े खड़े तलाक दो। माँ जी बैठ के दे दो। माँ जी मैं ना इस पतंगबाज को तलाक नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे निकाह में नहीं है। अशरफ जी जरा खड़े खड़े हमें तलाक दे के तो देखो। हमारा भाई बैठे बैठे आपकी बहन को फारिग ना कर दे तो कहिएगा। कोई वाह माँ जी मुबारक हो, माँ जी मुबारक हो। लो जी माँ जी मैं आज ट्राई हो गया। सोचा भी नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे शादी करके। अब तो गलती हो गई ना। क्या मेरा मतलब है मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें वक्त पे नहीं बताया। बताता भी कैसे, लड़की का मामला था। कैसी लड़की? बॉस की लड़की। बॉस चाहते थे मैं उनकी लड़की से शादी कर लूं। जब उन्हें पता चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, बस उस बाप से सड़ गए, खड़े खड़े मुझे निकाल दिया। बस तुझे सच कह रही हो ना? बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी खिदमत करूंगा, तुम्हारे सारे काम करूंगा। ये भी तो एक फुल टाइम जॉब ही है, और तुम तो जानती हो बीवी की खिदमत करने से जो आखिरत में मकाम मिलता है वो तो किसी चीज से नहीं मिलता। अजफर है। ओ भाई अजफर है। अच्छा मैं क्या मेरी? जी भाईजान आपने मुझे बुलाया? ये केटरिंग वाले हैं। जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इनको खुशी तब होगी जब तुम इनको इनकी पेमेंट करोगे। कौन सी पेमेंट? तुमने शेर का वादा नहीं किया था? हाँ वो। अरे ये ले। ये ले। हैं? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, 1,000 रुपए है भाईजान। शेयर करने को कहा था ना, ये रहा मेरा शेयर। 1,12,000 शेयर बनता है तुम्हारा? 1,12,000? बड़ा सस्ता केटरिंग वाला हायर किया था आप लोगों ने। फिर तुम पूरा बिल दे दो ना, 2,24,000। एक काम करें कि आप इनको चेक दे दें, मैं आपको कैश दे देता हूँ। नहीं तुमने जो कैश मुझे देना है ना डायरेक्ट इनको दे दो। अरे भाईजान अब कैसी बातें कर रहे हैं, आजकल के हालात देखें, इतना सारा कैश एक साथ ले जाना मुनासिब नहीं है। इतने बड़े बड़े नथने होते हैं डाकुओं के, दूर से कैश की खुशबू सूंघ लेते हैं। इस बेचारे मासूम की गर्दन में क्यों घंटी बांध रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं, आप मुझे चेक ही दे दें। और कैसी बातें कर रहे हैं अजफर, तुम इससे छोटे होते हैं जो लाखों रुपए लेके जाते हैं यूं करके। तू पता नहीं क्यों डर रहा है, दे दो कैश दे दो यार। आप चाहे किसको दे दे, और एक काम करें वो 2,000 रुपए डिब्बी दे देना। ये हमारे बॉस हैं, इस घर के मालिक हैं, ये जो कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। बाजी मेरी इज्जत खतरे में है। अच्छा था मुझे पहले भाई, सोने की कांच ज्वेलरी की दुकान बन के घर से निकलेगी तुम्हारी बीवी तो गुंडे तो पीछे पड़ेंगे। ओहो बाजी मेरी जान खतरे में है। क्या बकवास कर रहे हो, कभी जान बोल रहे हो कभी इज्जत बोल रहे हो, पहले डिसाइड कर लो है क्या चीज। भाजी आपको पता है माँ जी और भाईजान मुझसे 1,12,000 रुपए मांग रहे हैं। 1,00,000, ऊपर से 12,000 भी भूखे। और वो कह रहे हैं कि वो केटरिंग वाले की पेमेंट करनी है। कसम खाता हूँ भाजी 1-1 रुपया सूद समेत वापस कर दूंगा।
तौबा करो तौबा, हराम होता है सूद। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वापस कर दूंगा। एक काम कर, बेबी को उठा और यहाँ से चला जा, हम संभाल लेंगे पीछे से। घर होगा तो जाऊंगा ना। है कहने का मतलब ये है कि वो घर में तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कैसे ले जाऊं, यू नो। वैसे बड़े अफसोस की बात है बाजी, आपके होते हुए मुझे टके टके के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, जलील होना पड़ रहा है। मैं तो वैसे एक सच बात बताऊं, मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। नहीं ना, तो मुझे इमोशनल ना कर। आप जैसी अजीम औरत इन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर रही है, ये जुल्म सितम क्यों सह रही है? नहीं, अब इस जुल्म के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी बाजी। बस बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बुढ़िया समझती क्या अपने आप को, हम देख लेते हैं इसे। बाजी रोकना मत हमें, हम नहीं रुकेंगे। अरे बाजी रोक कौन रहे, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ हल्का हाथ रखिएगा, सास है माँ जैसी होती है, बस जाए। माँ जी ये आप कुछ ठीक नहीं कर रही हैं, ये मैं ना आपसे दो 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 हा हा दो दो टोक बात करने आई हूँ। क्या बात है? ये आप ना दामाद और बेटे में फर्क कर रही हैं। तो फर्क है तो फर्क कर रही हैं ना। अस्तगफार, दामाद से पैसे मांगे आपने, आपको शर्म नहीं आई? अरे भाई इसमें शर्म वाली कौन सी बात है। अरे भाई शर्म पैसे ही मांगे ना उससे, कौन से तुम्हारे खानदानी शजा मांग लिया मैंने जो तुम्हें इतनी शर्म आ रही है। जरा बता दीजिएगा अपनी उस लाडली को, हमारा भाई उसे यूं छोड़ भी सकता है? वो सिर्फ लंबी लंबी छोड़ सकते हैं। हाँ, और मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम, और उसको कह देना अपने भरा को कि अगर उसने कभी सोचिया भी या उसके दिल में कभी ये ख्याल भी आया कि वो बेबी को छोड़ दे तो वो सिर्फ तुम्हारी शक्ल को देख ले। हाँ जी जी। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो जिंदगी है अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। बंदर के डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है अपनी। मुझे अजफर के इरादे ठीक नहीं लगते। छोड़िए भी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो सब कुछ लूटने आया। तो अब उसने छोड़ा ही क्या लूटने के लिए? जायदाद। अच्छा जाइए ना, दफा हो जाइए, हम नहीं आपसे बोलते। खामखा अपने प्यारे से बहनोई पे इल्जाम लगाते हैं। जरा दोबारा कहना। क्या? जायदाद। जाइए दफा हो जाइए बस। भाई बड़ी प्रैक्टिस है दोनों बहन भाइयों को ना बात बदलने की, हम ना अब आपके हुक्म के मुताबिक ना दफा होने लगे हैं। दफा। लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या बेइज्जती? बेइज्जती नहीं, भूख। बेइज्जती तो मैं बचपन से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। तुम्हारे भाईजान कहते हैं इज्जत तो आनी जानी है, इंसान को ढीठ होना चाहिए। प्लीज डार्लिंग, प्लीज डार्लिंग जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ वरना मैं मर जाऊंगा। असू प्लीज आई एम सॉरी, मैं बिला वजह का रिस्क नहीं ले सकती। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है अपनी ये साहब के घर है ये? जी नहीं, ये मेरा कार है। आप कौन साहब? मैं साहब नहीं साहबा हूँ। अश्व साहब ने तो कहा था कि वो इस घर में रहते हैं। जी नहीं, उनका अपना कार है, वो मेरे दामाद है। देखिए मुतरमा, दरअसल अश्व साहब ने मुझसे 5 लाख लोन लिया है। हाँ,
और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुमने उस जैसे आदमी को 5 लाख रुपए लोन दे दिया है। अश्रफ साहब ने तो बताया था कि ये घर उनकी सास ने उन्हें जहेज में दिया है। अश्रफ ने ऐसा कहा है? नौशीन, अश्रफ, शगुफ्ता, इधर आओ, जल्दी करो। बेकार था, तुम क्या समझते थे कि माँ जी को चकमा देकर तुम इस घर में रह लोगे? हाय माँ जी, जाने देना, बिन माँ का बच्चा है। इस बेगैरत ने मेरे घर के नाम पे 5 लाख रुपए निकाल लिए। और निकाल मेरे पैसे, चल निकाल 5 लाख रुपए। माँ जी, वो सब पैसे तो खर्च हो गए। 5 लाख रुपए? तुम्हारे जेवर और कपड़े कहाँ से हैं? इस शख्स को ना मैं 1 मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकालो इसको यहाँ से। हाँ हाँ, हमारा भाई कोई गिरा पड़ा थोड़ी है। हाँ, लेकिन माँ जी की नजरों में गिर गया है। इससे बहुत बड़ा घर है हमारे भाई के पास। माँ जी मेरी माँ की तरह, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मुझे लगता है माँ जी इसको ना ठुड्डे मार के निकालना पड़ेगा। मैं ठुड्डे खाने के लिए भी तैयार हूँ। हाय अल्लाह मियां, हमारा भाई किस कदर भूखा है। अशरफ, इन दोनों को भेजो अपने घर, निकालो इनको। अच्छा माँ जी, सादा के ठुड्डे मार के? क्या ठुड्डे मार के? मैं कहता हूँ निकल बाहर। भाई जान, मेरी बात बाहर निकल। अरे नौशीन को माँ जी के बगैर नींद नहीं आती। नींद सूली पे भी आ जाती है। देखिए, अगर हमारी गैर मौजूदगी में माँ जी को कुछ हो गया तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। माँ जी को कुछ होने का खतरा तुम्हारी मौजूदगी में ज्यादा है। ये कौन? कौन है भाई, क्या बात है? रहते थे। उसके मालिक मकान ने बाहर गाड़ी में सामान भेजा है। उसने पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया। मालिक मकान किराया, अब उसको घर नहीं देना। क्या?